एरोप्लेन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन नीदरलैंड के रिसर्चर्स ने एक ऐसा प्लेन बनाया जो कि असल में वी आकार का है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, वी शेप। अब इस प्लेन को कौन बनाया और किस लिए बनाया, सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एबल फैक्टो, मैं हूं आपका दोस्त AKM। अब देखो ये जो वी शेप का विमान है ना, जिसे फ्लाइंग वी भी कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि नीदरलैंड में है, उन्हीं के रिसर्चर्स के द्वारा ये प्रपोज किया गया है। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, मतलब कि इस एयरक्राफ्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जितना हो सके उतना फ्यूल का कंजम्पशन कम करे, बेसिकली फ्यूल बचाना। अब बहुत सारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि वी शेप ही क्यों इस्तेमाल किया, दूसरे तरह का शेप क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हवा में उड़ने वाले हर चीज को एक चीज फेस करना पड़ता है, वो है एयर रेजिस्टेंस, मतलब कि एयर द्वारा लगने वाला फोर्स या फिर फ्रिक्शन, ठीक वैसे ही जैसे रोड और चक्के के बीच लगता है। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा। और इस फोर्स को काउंटर करने के लिए एरोडायनामिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसा कि आपने प्लेन्स और फाइटर जेट्स में तो देखा ही होगा। और सारे शेप में वी शेप ज्यादा फेवरेबल होता है इस चीज के लिए। अब पूछेंगे वो कैसे, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ग्रुप ऑफ बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है तो वो हमेशा वी फॉर्म में उड़ती होगी। आसमान में तो देखा ही होगा कभी ना कभी, तो क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि लंबे डिस्टेंस पे हम लोगों को कैसे अपना एनर्जी सेव करके चलना है और कैसे वो लोग एयर रेजिस्टेंस को काउंटर कर सकते हैं। और ठीक उसी के कॉन्सेप्ट पे इसे भी डिजाइन किया गया है, समझे ना। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। फ्लाइंग वी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली 2014 में आया था, लेकिन जुलाई 2020 में इसका सबसे पहले मॉडल का टेस्ट हुआ और वो लगभग सफल भी रहा। और हाँ, एक मॉडल का टेस्ट हुआ, पूरा का पूरा एरोप्लेन अभी नहीं बना। और हाँ, उनका दावा है कि ये एयरक्राफ्ट असल में 314 पैसेंजर्स को ले जाने में कैपेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस एयरक्राफ्ट की ये है कि इसका पैसेंजर केबिन, कार्गो होल्ड और इसका जो फ्यूल टैंक है, वो सारा के सारा इसके पंख में ही डिजाइन किया गया, मतलब कि इसका हर चीज इसके पंख में ही फिट है। ये तो बहुत ही गजब है। और इसका इस यूनिक डिजाइन की वजह से इसका जो इंजन है लगभग 20% तक फ्यूल का बचत कर देगा, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है एयरबस 350 और बोइंग 787 से। एयरलाइंस वालों का तो मजा ही मजा हो गया। और इतना ज्यादा फ्यूल की बचत से कार्बन फुटप्रिंट्स में भी कमी आएगा और जिसके वजह से वातावरण में पॉल्यूशन भी कम होगा। अब देखते हैं कब तक ये एयरक्राफ्ट मार्केट में आएगा। और नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग फ्यूचर में इस तरह का एयरक्राफ्ट देखना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ज्यादा पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। और उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स इस चैनल पे आते रहेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।